गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रॉम प्लेनेटोस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। एज यू नो, इन आवर लास्ट वीडियो वी वर रीडिंग आवर टॉपिक डिटरमिनर्स एंड वी स्टार्टेड विद आर्टिकल दैट स्टार्ट विद थर्ड आर्टिकल दैट्स नेम द। द इज द डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट यानी निश्चित। अब देखो, इस आर्टिकल मैं आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि द यूज कहाँ कहाँ पे होता है। टेंथ क्लास तक आपने जो इस द के यूजेस पढ़ चुके होंगे। फॉर एग्जांपल जो है, जैसे ताजमहल के आगे द लग गया क्योंकि वो पर्टिकुलर है ना, इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ अब आप 11th क्लास के अंदर हो, 10th तक आपने खूब इसके आर्टिकल्स के यूज पढ़े हैं। यहाँ मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझाऊंगा कि द एक्चुअल के अंदर क्या है और इसका यूज किस तरीके से होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि चीजों को समझना जरूरी है ना। देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। द मून इज वेरी ब्राइट टुनाइट। इस सेंटेंस में अगर यहां पर मैं ब्लैंक स्पेस डाल दूं, आपको आर्टिकल एप्रोप्रिएट आर्टिकल फिलअप करना है, एप्रोप्रिएट डिटरमिनर फिलअप करना है, तो डिटरमिनर यहाँ पे क्या आएगा, द। क्यों आएगा? मून क्या है, पर्टिकुलर है। फिर आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर जो है थिंग हो चाहे पर्सन, उसका क्या यूज होता है, द यूज होता है। तो मून सिंगुलर है और पर्टिकुलर है, मून जैसा दूसरा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझना है, क्या इसके जैसी कुछ और कोई चीज है क्या, क्या इस चंद्रमा की जगह ऐसी चीज और कोई है क्या, नहीं है ना, इसलिए यहां पे तो आएगा क्योंकि यूनिक है। सन यूनिक है, अर्थ यूनिक है, सारी यूनिक थिंग्स जो भी है उसका केमिकल स्केल उसका खुद का, क्योंकि वो सिंगुलर है और एक ही है अपने आप में। तो जो भी अपने आप में एक ही है उसका केमिकल स्केल चलेंगे। द मून इज वेरी ब्राइट टुनाइट, तो यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया, द मून का सिंगुलर है, यूनिक है। नेक्स्ट देखते हैं, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब अगर छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा हो तो डिग्री अगर आपने पढ़ी हो तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री है ना, कौन सी, एक तो पॉजिटिव, दूसरी कंपेरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो ये कौन सी है, टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है टॉलर, और इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है टॉल, टॉल टॉलर एंड टॉलेस्ट। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो ध्यान से, अब टॉलेस्ट के आगे द लगा है। अब ये टॉलेस्ट के आगे द लगा है, इसका मतलब क्या है, द टॉलेस्ट। अब होल क्लास के अंदर सिर्फ राम ही एक ऐसा है जो सबसे क्या है, टॉल है। तो द यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसको क्या कर दिया, द ने आप ये बताया टॉलेस्ट, जब द लगा तो ये हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि राम जैसा लंबा और कोई टॉल कोई नहीं है, है ना, पूरी क्लास के अंदर द टॉलेस्ट आ गया। अब समझ में आया, यहाँ द नहीं लगाया हुआ है, वैसे यहाँ पे एज ए सुपरलेटिव डिग्री द यूज होगा, एज ए डिटरमिनर द यूज होगा, लेकिन आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर द नहीं हो तो सेंटेंस वैसे ऑलरेडी गलत हो ही जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। लेकिन नॉलेज के अकॉर्डिंग समझना, दूसरे एग्जांपल से, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ऐसा सेंटेंस पॉसिबल है क्या, सोचो, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, हमें इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए यहाँ द का यूज करना ही होगा, द का यूज करेंगे तभी ये क्या होगा, यूनिक बनेगा, पर्टिकुलर बनेगा राम। द आ गया मतलब फिक्स है, वो चीज पर्टिकुलर है, परमानेंट चीज है, यूनिक चीज है वो। तो इस तरीके से द टॉलेस्ट राम को आप आइडेंटिफाई कर रहा है कि पूरी क्लास के अंदर राम जो है सबसे लंबा लड़का है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द आते ही वो चीज अपने आप में क्या हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, निश्चित हो जाती है, अपने आप में निश्चित हो जाती है कि सबसे लंबा लड़का। यहाँ द मून निश्चित है, राम यहाँ पे लंबाई के अंदर क्लास में निश्चित है। नेक्स्ट देखते हैं, डैड कैन बी बोरो द कार। अब ध्यान से सेंटेंस को देखना, इस सेंटेंस को समझना, पिताजी क्या हम कार ले सकते हैं, तो द कार, ठीक है,
और अगर यहां पे ए आए तब कौन सी कार है पता है क्या हमें? तब हमें पता नहीं है कि कौन सी कार के बारे में इसमें सेंटेंस के अंदर बात हो रही है। लेकिन अगर यहां द आता है तो आगे सेंटेंस एक और दे रखा होगा, या यहाँ पे आगे सेंटेंस एक और दे रखा होगा इस कार के बारे में बता रहा होगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इज डैड कैन बी बोर्न ऑफ दिस कार। तो द कार है ना, डैड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इज, डैड पिताजी ये कार कितनी सुंदर है, आगे एक और सेंटेंस दे रखा होगा। फिर दूसरे में क्या आएगा, डैड कैन बी बोर्न द कार, क्या हम ये कार दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए भी सही है, अगर ये सेंटेंस ऐसी थी जिस तरीके से है तो कैन बी बोर्न अ कार ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे द आर्टिकल आप लगाओगे तब ये डेफिनेट रूप से सही होगा, ठीक है ना। और आगे एक और सेंटेंस दे रखा होगा। थर्ड देखो, लुक एट द बॉय ओवर देयर, लुक एट द बॉय ओवर देयर, इस सेंटेंस अपने आप में क्लियर है कि देखो किस लड़की की तरफ, उस लड़के की तरफ। अब पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि पर्टिकुलर वो लड़का, डेफिनेट वो लड़का, निश्चित वो लड़का, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं एक लड़के के सामने, इसलिए इस लड़के का क्या यूज हो गया द। श्याम प्लेज द पियानो वेल, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसका द का यूज करते हैं। वो भी क्यों करते हैं यार, इंस्ट्रूमेंट एक जना एक इंस्ट्रूमेंट बजाएगा ना ऐसे, हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाए, पर एक्चुअल के अंदर क्या है, जिस पियानो को बजा रहा है वो तो पर्टिकुलर है ना, इसलिए यहां पे द आएगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे रिच का मतलब क्या है, अमीर, और यहाँ पुअर का मतलब गरीब। तो रिच का मतलब अमीर और पुअर का मतलब गरीब। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड एंड सी हियर, द रिच ये पूरी कास्ट को दिखाता है, ये कास्ट को डिनोट करता है यहाँ पर। द पुअर इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या निकलेगा, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। द रिच आ गया तो अमीर नहीं है, यहाँ पूरी कास्ट है, जब द लग जाता है तो पूरी कास्ट को दिखाता है। द पुअर यहाँ पे गरीब एक पर्टिकुलर इसके बारे में बात नहीं हो रही, ये पूरी कास्ट के बारे में बात हो रही है। तो जहां पूरी कास्ट के बारे में बात हो वहां पे भी द लगता है, तो वो क्या कर लेता है, पूरी गरीबों की जाति को दिखा देता है, पूरी कास्ट दिखा देता है, ये अमीरों की पूरी जाति को दिखा देता है इस तरीके से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस कॉलेज से दिखाया। द कंगारू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, अब देखो द कंगारू यहाँ पे वो कब हो रहा है, पूरी कास्ट को डिनोट कर रहा है कंगारू की, है ना, ये पूरी कास्ट को द कंगारू, कंगारू की पूरी स्पेसिफिक को जो है आपको बता रही है, इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये कंगारू पाए जाते हैं। द कंगारू का मतलब पर्टिकुलर वो कास्ट, कंगारू की पर्टिकुलर कास्ट कहाँ पाई जाती है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस आर्टिकल के अंदर द आर्टिकल का बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि चीजें जब निश्चित हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, पर्टिकुलर यूनिक और ये अपने आप में परमानेंट हो जाती है कि बस यही एक चीज है जिसके बारे में बात हो रही है ना, तब वहां पर हमें सद द का मतलब हम उसको निश्चित कर देते हैं उस चीज को। द बॉय, तो द बॉय यहाँ पे निश्चित हो गया, क्यों, लुक एट द बॉय, पर्टिकुलर है वो, श्याम प्लेस द पियानो तो पर्टिकुलर वो बजा रहा है, इसलिए द आया इसके आगे। द मून यूनिक इसलिए आया, द टॉलेस्ट क्योंकि इसको पर्टिकुलर करने के लिए आया, आपको परमानेंट करने के लिए आया, डिफिनेट करने के लिए आया। तो सारी की सारी द का जहाँ यूज होगा, जहाँ पे चीजें सारी क्या हो जाएगी, डिफिनेट हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, इसलिए इसको डिफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और उसको इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं, ए बुक कौन सी बुक, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, लेकिन वहां पे ए आ रहा है, ए कौन सी पता नहीं, आई रीड द बुक, तो मैं पर्टिकुलर कोई बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ए और एन इनडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल होते हैं और द होता है डेफिनिट यानी निश्चित आर्टिकल, एक अनिश्चित और दूसरे निश्चित। तो आर्टिकल थ्री टाइप्स के होते हैं, एन और दी, एन के यूज में पढ़ा दिया, और द देख लो सारी यूनिक थिंग्स, और जो भी डिफिनेट कर दी गई हो चीजें वो सारी चीजें उसका इधर आप सेंटेंस को देख के पता लगा दोगे कि इसके अंदर द आएगा या नहीं आएगा वर्ड के आगे। क्या सेंटेंस अपना में बता रहा है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस थिंग या पर्सन के बारे में बात हो रही है, क्या वो यूनिक है, क्या उसको जो स्पेसिफिक कर दिया गया है, क्या वो कास्ट को डिनोट कर रहा है, क्या वो डिफिनेट है, अपने आप आपको माइंड कह देगा हाँ यहाँ पे द का यूज होगा। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये देखिए समझाया,
डेट कैन बी बोरो डैश का, तो यहाँ पर क्या आप फिलअप कर सकते हो, यहाँ ए बी फिलअप कर सकते हो, क्योंकि ए बी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं देखा है। अगर आपने सेंटेंस देखा होगा डेट वॉट ए ब्यूटीफुल कार इज, डेट कितनी सुंदर यह कार है, डेट कैन बी बोरो, फिर द आता, क्योंकि उसने कार के बारे में बता दिया है, इसलिए पर्टिकुलर यहाँ पे क्या था, द। लेकिन यहाँ पर ए बी फिलअप कर सकते हैं। तो जब किसी चीज को निश्चित कर दिया गया हो तब द का यूज होगा, निश्चित नहीं हो तो इसका यूज होगा ए और एन का। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कंसेप्ट, जब भी ऑफलाइन क्लास लगेगी तब इसका रिविजन हम जरूर लेंगे, और कहीं कोई चीज़ें नहीं समझ आई वो समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम फिर आर्टिकल्स के बाद जो है नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पजेसिव है, ये क्वांटिटेटिव्स है, उसके अंदर भी फिर अलग अलग पार्ट आते हैं, न्यूमेरिकल्स है, कार्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स है, मल्टीप्लिकेटिव्स है ना। ये सारी चीज़ें कुछ भी आपको मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ बेटा, एक बार इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ने की कोशिश तो करो, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में आने लगेगी, आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे। सेंटेंस के अंदर द क्यों आया, ए एन क्यों आया सेंटेंस के अंदर, आप अपने पता लगाओगे, यहाँ पे पर्टिकुलर है, यहाँ पे डेफिनेट है, इसलिए द आया, और यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए एन का यूज हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा चीज़ों को समझ के पढ़ें, उसका मीन निकालते हुए पढ़ें, ना कि रटते हुए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।